इनका पितर दोष चेक कर लेते हैं। पितर दोष चेक करें। ये इसका मतलब नहीं है, वापिस चली गई घूम के, तो पितरदोष नहीं है जी, पितरदोष नहीं है, नहीं है। शनि की दशा चेक कर रहे हैं इनके ऊपर, शनि की दशा चेक कर रहे हैं। ये देखिए नहीं हिल रही है, ये नीली लो निकल रही है ना, देख रहे हैं आप, ये किरणें पड़ती हैं चेहरे पे और ओज का पता चलता है, ओरा का पता चलता है, ये ओरा स्कैनर मशीन होती है जो बताती है, नहीं हिल रही है जी। तो इसका मतलब शनि का दोष है, शनि का दोष है जी, शनि खराब चल रहा है, शनि के उपाय करने। तो अभी इनसे पूछते हैं, क्या आपने की कुंडली में दिखाया हो कभी कि शनि का दोष है? है जी। है? है। अच्छा, शनि की साढ़े सती चल रही है या कुछ बताया कि किसी पंडित ने? हाँ जी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे बाणो भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते जय हिंद। बाणो भाइयों, फिलहाल खड़े हम कैमरी गांव में, प्राचीन हनुमान मंदिर श्री सेठ सोंदामल जी जिंदल धर्मशाला कैमरी, और यहीं पर बैठते हैं पंडित शास्त्री जी, कपूर शास्त्री जी, जो भाई ओरा स्कैनर मशीन से क्या क्या काम करते हैं, और वो शास्त्री जी ऐसी अनेक विद्याओं में निपुण हैं, और भाई आपके कोई भी संकट, व्याधि, बीमारी, किसी भी तरह का ग्रह क्षेत्र, ग्रह दोष, पितृ दोष, मतलब किसी प्रकार के आपके दोष हैं, सभी का निवारण करते हैं और तुरंत बताते हैं, और स्कैनर मशीन से जो चटक पटक एक मिनट में बता देती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोर्ड लगा है, ये इधर बस स्टैंड है पीछे, ठीक है, हमारे सामने ही बस स्टैंड है, ये गली है जो जा रही है वो सामने, ये सामने बस स्टैंड है, ये जो सड़क जा रही है ये हिसार मंगाली, जो बस ये धर्मशाला है, ये है बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर रहने का ठहरने की पूरी व्यवस्था है, एक साधारण से किराए में आप दूर से आने वाले लोग जो है यहाँ पर ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। ये प्राचीन हनुमान मंदिर की स्थापना 1951 में हुई थी भाई, सेठ श्री सोंदामल जी ने करवाई थी ये, और ये धर्मशाला है बहुत विशाल, बहुत बड़ी, सारी व्यवस्थाएँ, टॉयलेट, बाथरूम, पीने का पानी, आरओ, सभी व्यवस्थाएँ, एसी के रूम लो, बिना एसी के रूम लीजिए आप। ये जो धर्मशाला और प्राचीन मंदिर है, ये देखिए बहुत सुंदर सी धर्मशाला है, और ये प्रसिद्ध धर्मशाला और प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। साइड में रूम हैं, सभी ऊपर भी हैं, नीचे भी जो रूम हैं, एसी रूम भी हैं और बिना एसी के साधारण रूम भी। ये है प्राचीन मंदिर जो ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, 1951 से स्थापित है, और यहाँ पर ही लगाते हैं दरबार अपना श्री कपूर चंद जी शास्त्री जी। आइए मैं उनसे भी मिलवाता हूँ और उनसे बातें भी करवाता हूँ मैं आप लोगों की। तो आइए मैं अंदर लिए चलता हूँ दरबार में, सबसे पहले मैं दर्शन करवा देता हूँ। सामने ही बालाजी हनुमान की प्राचीन मूर्ति है, छोटी सी, लेकिन क्या बात है, ये देखिए, ये बाल स्वरूप हनुमान जी की तस्वीर है, ये देखिए, और ये माता रानी है और राधे रानी, प्राचीन मूर्तियाँ हैं ये, आज भी उतनी ही शोभा बढ़ा रही हैं। और यहाँ पर ये गद्दी है, एक तो गद्दी ये है जो गद्दी में विराजमान है कपूरचंद शास्त्री जी, और ये है शिवलिंग, और एक गद्दी ये है, और ये यंत्र तंत्र मंत्र जो भी पूजा पाठ की ये चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पर करवाते हैं, यहाँ अपना हवन यज्ञ, अग हवन यज्ञ बाहर करवाते हैं, तो ये यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। मैं बात करवाता हूँ, भाई एक बहन भाई आए हुए हैं, और ये पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, और इनका चेकअप मैं आज आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि इस मशीन से और इनकी कुंडली से मिलान करके देखेंगे। तो आप लोगों तक सत्यता पहुँचाने के लिए हम समय समय पर पंडित जी के पास या किसी भी धाम में जाते हैं, सच दिखाते हैं। तो सब तो पहले तो शर्मा जी राम राम, राम राम जी सभी को। तो इनका जी चेकअप करिए लाइव, जिस भी ग्रह का या कुछ का करें तो हमें बताएगा। तो अब सबसे पहले आपकी कौन सी चीज़ का चेकअप करने जा रहे हैं? वो मांगलिक दोष और स्कैनर मशीन से चेक करेंगे, क्या ये सही बता रही है? बिल्कुल करें। तो देखिए भाई इनसे भी पूछेंगे, और ये जो चीज़ें हैं ये देखिए, ये है ना, ये गिट्टियाँ सी हैं, ये है कुछ मैग्नेट हैं, क्या है ये डाल दें इसके अंदर, और ये दोनों के दोनों हाथ देखिए, ये ऊपर से घूमती है, हाथ बिल्कुल नीचे हैं, ज्वाइंट नीचे हैं, और ये ओरा स्कैनर से ये मांगलिक दोष चेक किया जा रहा है, मांगलिक ये नहीं हिल रही बिल्कुल भी, तो इसका मतलब इनको मांगलिक दोष है जी, ये नहीं हिल रही है भाई, ये देखिए, और ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए हाथ बिल्कुल ज्वाइंट से नीचे, ये ऊपर से घूमती है अपने आप, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक घूमती है,
चलो नहीं है जी, ये किरण निकल रही है नीली नीली, यही जो चेक करती है। तो आज ही मैं अभी पूछना चाहूँगा, तो सर आपने पहले कोई कुंडली दिखाई हो, कुंडली बनवाई हो, क्या ऐसा मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है? है जी। है? है जी। अच्छा पहले कुंडली बनाई हुई है आपने? हाँ बनाई हुई। मांगलिक हैं आप? हाँ जी। अच्छा चलो ये भाई सत्यता है कि मांगलिक है और इस मशीन ने भी सच बताया। अब दूसरा चेकअप कर रहे हैं ये ग्रह दोष का। जी ग्रह दोष का चेकअप करिए, कौन से ग्रह का कर रहे हैं आप? अभी इनका तो शनि चेक कर लेते हैं, शनि ठीक है या नहीं इनका। शनि की दशा चेक कर रहे हैं, ये देखिए नहीं हिल रही है, ये नीली लो निकल रही है ना, देख रहे हैं आप, ये किरणें पड़ती हैं चेहरे पे और ओज का पता चलता है, ओरा का पता चलता है, ये ओरा स्कैनर मशीन होती है जो बताती है, नहीं हिल रही है जी। तो इसका मतलब शनि का दोष है? शनि का दोष है जी, शनि खराब चल रहा है, शनि के उपाय करने। तो अभी इनसे पूछते हैं, क्या आपने की कुंडली में दिखाया हो कभी कि शनि का दोष है? है जी। है? है। अच्छा शनि की साढ़े सती चल रही है या कुछ बताया कि किसी पंडित ने? हाँ जी। अच्छा सही है, सच बता रही है मशीन? हाँ जी। अच्छा ये उनकी बहन जी की ओर चेक करो आप उधर लगा के, ये शनि वाली, शनि का जो दोष है ये उनका और चेक करो एक बार शनि का। ये शनि का जो है भाई ये इधर बहन जी है, हम फेस नहीं दिखा रहे उनका, तो ये देखिए इनका शनि, इनको नहीं है भाई, ये वापस चली जाती है मुड़के तो उनको शनि दोष नहीं है। ये देखिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ सही होती है, हाँ। सबसे पहले मैं उनकी कुंडली निकालता हूँ, हाँ कुंडली और ओरा स्कैनर मशीन को दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ, जो कुंडली में दोष मिलेंगे वही ओरा स्कैनर मशीन बताएगी, जो ओरा स्कैनर मशीन बताएगी वही कुंडली बताएगी जी। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। अब क्या कौन सा चेक कर रहे हैं आप? अब सभी को ये डर रहता है कि कहीं पितर दोष तो नहीं है। अच्छा, तो इनका पितर दोष चेक कर लेते हैं। ये इसका मतलब नहीं है, वापिस चली गई घूम के, तो पितर दोष नहीं है जी, पितर दोष नहीं है, नहीं है जी। अच्छा तो इनकी जो सिस्टर है उनको और लगा के देखें एक बार, उनको भी नहीं है। तो एक परिवार में मतलब होता है कि पितर दोष तो सभी पे होगा, होगा तो फिर ये ऐसा होता है क्या? हाँ लेकिन कुंवारी कन्याओं के ऊपर पितर दोष नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे घर में जाना होता है उनको। अच्छा। तो उनका गोत्र चेंज हो जाता है। हाँ। तो पितर दोष पुरुषों को ही होता है या फिर विवाहित महिलाओं, विवाहित महिलाओं के ऊपर होता है। अच्छा। कुंवारी कन्या के ऊपर कोई दोष लागू, पितर दोष बहुत कम होता है। हाँ कुंडली में पितृ दोष बन जाता है, वो पितर दोष अलग तरह का होता है जी। धन्यवाद। तो देखिए भाई, तो आपको कभी कुंडली में या कभी किसी ब्राह्मण ने या पंडित से पूछा हो आपने कि पितृदोष है, कैसा है? नहीं पितृदोष नहीं बताया, नहीं बताया नहीं किसी ने। अच्छा तो अभी जो बता रही है, आपको विश्वास है कि इस ओरा स्कैनर मशीन जो बता रही है सही बता रही? हाँ जी ठीक बता रही है। ठीक बता रही है? हाँ जी। अच्छा चलो, तो ये देखिए भाई ये ओरा स्कैनर मशीन है, तो इसकी जो आपसे कोई फीस वगैरह ली गई है क्या? नहीं जी कुछ नहीं लिया। नहीं लिया। तो ये मंदिर के अंदर है, बाहर प्रांगण बहुत बड़ा है, धर्मशाला में सारी दिखाऊंगा आपको, बहुत बड़ी धर्मशाला, वहाँ दूर बैठे हैं लोग, अलग अलग कमरों में बैठे हैं, बरामदे में बैठे हैं। यहाँ मंदिर के अंदर जो आसन है वहाँ सिर्फ एक ही परिवार को बुलाया जाता है, चाहे एक सदस्य हो चाहे दो सदस्य हो, वो उन्हीं को अंदर बुला के बिल्कुल एकांत में शांत माहौल में बताया जाता है, बाहर कोई सुनने वाला भी नहीं होता, ये हमारी आवाज़ भी बाहर नहीं जा रही है। पंडित कपूर चंद शास्त्री जी के पास आज फिर आए हम रिव्यू लेने के लिए लोगों का, कि लोग जो आ रहे हैं उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या बात सही बता रहे हैं, औरों पे स्कैन करके वो भी दिखाऊंगा आपको पूरा, लोग बहुत आए हुए हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर कोई फीस कितनी लेते हैं ये, इस चीज़ के बताने की क्या लेते हैं और क्या क्या चीज़ें ये ठीक भी कर सकते हैं या बताते बताते हैं, तो सारी बातें मैं आज करूँगा, और कैसे आएँ पूरा रास्ता बताऊँगा आपको, किस दिन आए ये भी बताऊँगा, फ़ोन किस समय कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत काम की वीडियो होने जा रही है, जो दर दर पे भटक चुके हैं जगह जगह पे, बाबाओं के पास या किसी के पास पाखंडियों के पास दुकान खोल के बैठे हैं, तंग हो चुके हैं लोग, तो उनके लिए स्पेशल वास्तुशास्त्र और कर्म कांड के अनुसार और हमारे जो सनातन धर्म के अनुसार यहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं। तो सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम जी। जी जी, तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ये ओरा स्कैनर से जो क्या क्या चीज़ बताते हैं? इस ओरा स्कैनर मशीन से जी जो अपने कुंडली है उसका संपूर्ण फलादेश हम कर सकते हैं, कि कुंडली में जैसे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध शुक्र शनि और राहु आदि, उनके बारे में हम
पता कर सकते हैं कि आपका सूर्य खराब है या सही है, आपका शनि तो खराब नहीं है, आपका राहु तो खराब नहीं है, आपका केतु तो खराब नहीं है, या फिर जैसे कुंडली में अन्य दोष होते हैं, मांगलिक दोष, गणमूल दोष, या फिर पितृ दोष, या फिर अन्य दोष, वो भी हम कुंडली, हाँ जी, जो किया कराया उसका ही पता चल जाता है। हाँ जी, इस कुंडली और स्कैनर मशीन से किया कराया तंत्र क्रिया का और प्रेतवादा का भी पता चल सकता है, नकारात्मक ऊर्जा का पता चल सकता है, और इतना ही नहीं, इस कुंडली से इतना भी पता चल सकता है कि अपना लव मैरिज का योग है या अरेंज मैरिज का योग है, अच्छा, नौकरी के योग है या नहीं, विदेश जाने के योग है या नहीं, इतना सब कुछ भी और जी बता सकती। और इसकी सच होती है, आप कुंडली से मिलान करवा सकते हैं, पूछा दिखवा के मिलान कर सकते हैं, इसकी मशीन की कोई बात झूठी नहीं होती है। तो शर्मा जी एक बात और बताएं कि इसकी फीस कितनी होती है देखने की, मशीन से चेक करने की कितनी फीस लेते हैं? मैं यहाँ जो आप पूछने के लिए नहीं आए हो वो चीज़ भी बताऊंगा, जैसे आपके कोई एक दो सवाल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सब कुछ बताऊंगा, जो आपकी इच्छा हो वो फीस नहीं है कोई भी, फीस नहीं है जी कोई, लेकिन ये मशीन वैसे काफ़ी महंगी आती है, तो अपने हिसाब से जितनी आपकी श्रद्धा बने, जितना आपका देने का मन हो उतना आप दे सकते हैं जी, फीस नहीं है कोई भी। तो फीस नहीं है भाई, आप श्रद्धा से जो भी मंदिर के स्वरूप जो दान दक्षिणा के रूप में आप चढ़ाएं वही स्वीकार्य है इनको। ये कहते हैं कि भाई फीस लेके लोग पहले लूटे पिटे बैठे हैं, तो इसलिए गरीब हो अमीर हो अपनी हैसियत के अनुसार इनको दे सकते हैं। ब्राह्मण है और ब्राह्मण देवता को तो वैसे भी देना चाहिए श्रद्धा से भी। दूसरी बात, आप यदि चेक कर लेते हैं, आपको पता चल गया कि इसके पे क्रिया क्रिया हुई है, कोई क्रिया कराया है, या फिर इसकी लव मैरिज है या कुछ भी है जैसे, तो उसका जो उपाय करना होता है वो भी करते हैं या फिर चेक करते हैं? उनका उपाय भी किया जाता है जी, जैसे सूर्य आदि नवग्रह खराब हो तो उनकी पूजा पाठ हवन मंत्र जाप आदि विद्वान ब्राह्मणों की व्यवस्था हमारे पास है। किसी को गायत्री जाप करवाना हो, महामृत्युंजय जाप कराना हो, सूर्य आदि ग्रहों की शांति हेतु जाप करवाना हो, मांगलिक पूजा करवानी हो, तो हम रुद्राभिषेक सत्संडी का पाठ करवाना हो, किसी को भागवत भी करवानी हो, तो मैं अच्छे विद्वान ब्राह्मणों की यहाँ व्यवस्था भी कर देता हूँ जी। उसके अलावा किया कराया जो तंत्र क्रिया है उसका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा समाधान है। केवल और केवल भूत प्रेत जो बाधा है, किसी के अंदर चुड़ैल आ रही हो या फिर कोई भूत प्रेत हो या ऊपरी जिन हो, उसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है, उनको मैं और किसी साधु संत या किसी भक्त के पास भेज देता हूँ, या फिर अपनी मर्जी से वो कहीं जाए, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं हाथ जोड़ के स्पष्ट मना कर देता हूँ कि यहाँ पर भूत प्रेत तो ऊपरी पराए का कोई समाधान, कोई झाड़े वगैरह नहीं लगाया जाता। मेरा केवल काम ज्योतिष पूजा पाठ, ग्रहों से संबंधित कोई समस्या हो या कोई तंत्र मंत्र हो तो मैं पूजा पाठ भी देवीय शक्ति की, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, केवल देवी देवताओं की पूजन से उनको ठीक कर सकते हैं जी। जी तो देखिए भाई, सिर्फ सात्विक और सनातन धर्म के आधार पे वैदिक विधि से किए जाती हैं सारी चीज़ें, भूत प्रेत वाले कोई ना आए यहाँ पर भाई, हाँ चेक करवा सकते हैं, ये बता देंगे आपके ऊपर है या नहीं है। यदि आपको शक है किसी चीज़ का भाई मारे ऐसे ऐसे है, कोई फंड भी कर ले है, कोई महिला कर ले, कोई पुरुष भी कर ले काम, तो डरता फंड में सिर के नाड़ लग गया, मारण लग गया, तो उसको चेक करवा सकते हैं। मशीन जो बताएगी 100% सही बताएगी इसके ऊपर ओपरी की बात आकी है या नहीं है, तो ये चीज़ें होगी। दूसरी बात, ये ऐसे नहीं है पंडित विद्वान, ये सैकड़ों देखिए इनके कितने, सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि है इनके पास, और ये जो टंगे हुए हैं वो कितने सर्टिफिकेट, ज्योतिष प्रमाण पत्र है, कर्मकांड का प्रमाण पत्र है, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से ये उसका शास्त्रार्थ कर रखा है, तो उसमें एमए भी ये होती है तो वो कर रखी है, और कर्मकांड के पूर्ण विद्वान हैं, और अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रह के हवन यज्ञ करना और जो ऐसे कार्य हैं वो पूर्ण रूप से विद्वान हैं। माँ भगवती दुर्गे के बहुत बड़े उपासक हैं और दुर्गा के ही स्वरूप हैं, सभी जो स्वरूप हैं अन्य जो पूजा पाठ की जाती है दुर्गा के उपासक हैं, और ये कहते हैं कि यदि आपके ऊपर कोई तंत्र या क्रिया कराई हुई ऐसी चीज़ है तो आधा घंटा में यहाँ पर जब मैं प्रक्रिया करवाऊँगा तो आधा घंटा में आप उसका रिजल्ट देखें, आधा घंटा में यहाँ पर हवन प्रक्रिया जो भी करवाता हूँ यदि ऐसा है जी। यहाँ पूजा पाठ हवन आदि के बाद जैसे आपको तांत्रिक क्रिया है, पूजा करने से पहले मैं आपको चेक कराऊंगा ओरा स्कैनर मशीन से, और जब भी मेरी पूजा पाठ हवन का जितना भी समय है
होने के बाद हवन आदि होने के बाद वापस बिठाऊंगा, दोबारा चेक कराऊंगा जी, आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं रहेगी। हाँ, उसका आपको कुछ फायदा हो सकता है दूसरे तीसरे दिन मिल जाए, हो सकता है हफ्ते या 15 दिन या महीना भी लग जाए, क्योंकि हथेली पर सरसों नहीं उगते जी, तो थोड़ा सा आपको भी धीरज रखना पड़ेगा, भगवान पे विश्वास करना होगा, तो आप कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ आपको कर्म भी करने पड़ेंगे जी। हाँ, लेकिन चेक उसी समय करवा देंगे, उसी मशीन से आपके पास रखें वो, और हवन के बाद तुरंत चेक कराएंगे, ये चीज में इतना फर्क पड़ गया है। ठीक है, एक चीज और बता दें कि यहाँ पर किस किस दिन आए और रुकने का, बाहर से आने वाले का ठहरने के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है जी? यहाँ केवल शनिवार, रविवार और मंगलवार को आप आ सकते हो, और रुकने की यहाँ पर उचित व्यवस्था है। हाँ, पूरी धर्मशाला है भाई, पूरी बड़ी धर्मशाला है, यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, रुकने की, ठहरने की, सभी सभी कुछ है। ये बहुत प्राचीन धर्मशाला है, 1950 से। और यहाँ पर धर्मशाला के अंदर पूरी रुकने की व्यवस्था है, एसी रूम भी है, बिना एसी रूम भी है। जो धर्मशाला का चार्ज होता है, जो ट्रस्ट ने भाई यहाँ फिट कर रखा है कि 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये, वो आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके अंदर 2-4 बंदे 5 बंदे कैसे भी रहें वो रह सकते हैं। खाने की व्यवस्था या नज़दीक बिल्कुल घर में शुद्ध खाना बन के आ जाता है, उनको पेड करना पड़ता है। दुकान 24 घंटे चाय की खुली रहती है, तो यहाँ पर हर व्यवस्था है, रुकने की, रह ठहरने की, नहाने की, धोने की, पूरी बड़ी धर्मशाला है। यहाँ पर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम, शादी विवाह होते रहते हैं, 4-4 शादियाँ एक साथ हो जाती है, इतना बड़ा प्रांगण है यहाँ पर, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कैमरी जो है हिसार से मंगाली रोड पर, हिसार से मंगाली किस बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से किसी भी ऑटो वाले को बोलेगा मुझे कैमरी जाना है, वो आपको कैमरी छोड़ेगा। 20 रुपये मात्र किराया होता है हिसार से, मात्र 20 रुपये किराया है। स्पेशल करके ले आओगे तो 100-200 भाई जो लेगा वो तो अलग है, लेकिन आप चौक पे आ जाएं, स्पेशल ऑटो करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही वहाँ जो ई रिक्शा चलती है छोटी वाली उनमें बैठो, ई रिक्शा वाले भ्रमित कर देते हैं, वो कैंप चौक छोड़ते हैं, 20 रुपये कैंप चौक से ले लेते हैं और कैंप चौक से आगे 20 रुपये। इसलिए बस स्टैंड से बाहर आप 2-4-5 मिनट वेट करो, वहाँ आपको मंगाली कैमरे के काफ़ी ऑटो मिल जाएंगे। जो वाई ट्रेन आते हैं वो ट्रेन नंबर 6 की तरफ, जो 6 नंबर की प्लेटफॉर्म होती है उधर निकले, उधर से बाहर निकले, फुवारा चौक पे आए, फुवारा चौक पे आगे वहाँ मेन रोड पे आपको 5-10 मिनट के अंदर कैमरी और मंगाली के ऑटो मिल जाएंगे जी। बिल्कुल मिनट में चलते हैं भाई, इतने कई कई बार तो 10-10 इकट्ठे निकलते हैं, यानी मिनट में चलते हैं कैमरी के साधन और ऑटो। बस भी चलती हैं, बस ये मंगाली जाने वाली, शाड़वा जाने वाली, सरवाल जाने वाली, मीरान जाने वाली बस में बैठ के आप कैमरी बस स्टैंड से, हिसार बस स्टैंड से आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन से भी फुवारा चौक पर आ सकते हैं, बड़े आसान साधन है। और बाहर बोर्ड लगा हुआ है श्री सेठ सोंदामल जी जिंदल धर्मशाला और प्राचीन हनुमान मंदिर का, बस स्टैंड से बिल्कुल सामने दिख रहा है, पीला बस स्टैंड से निकलोगे जब बाईं साइड वाली गली लें, 2 गलियां फटती हैं बस स्टैंड से निकलते ही गांव की तरफ, तो बाईं साइड वाली गली लें, अपने ओला हाथ वाली गली लें, और उसमें सामने बिल्कुल पीला बोर्ड स्कूल के साथ में बिल्कुल धर्मशाला है। एक चीज़ का ध्यान रखें, काफ़ी बार क्या है कि आपके घर में वास्तु दोष होता है और आप इधर उधर तंत्र मंत्र के चक्रों में फंसे रहते हैं कि किसी ने कोई तंत्र मंत्र तो ना करवा रखा है, कोई प्रेत बाधा तो नहीं है। वास्तु दोष भी अपने आप में एक बहुत खतरनाक है। यदि आपके घर में बहुत सारा वास्तु दोष है तो आपके घर में तंत्र मंत्र या प्रेत बाधा उससे भी ज़्यादा आपके घर में बुरा हाल रहेगा, घर में कलह झगड़ा रहेगा, आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। तो इसलिए जो यहाँ आए वो एक चीज का ध्यान रखे कि अपने घर का नक्शा बना के लेके आए। कैसे बना के लेके आए नक्शा? वो ऐसा नक्शा बना के लेके आना है जी, ये देखिए भाई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक 4 लाइनें खींच दें, चकोर बनाए, एक साइड पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख के बीच में लिख दें कहाँ पर आपका घर में रसोई है, कहाँ पर हॉल है, कहाँ पर कमरे है, कहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है, कहाँ पर शौचालय है, कहाँ पर गेट है, ऐसे कहाँ पानी की टंकी है, ये ऐसे निशान लगा लें भैया, लिख लें एक कागज पे ऐसे बना के, तो फिर इनको आसानी होगी आपके वास्तु दोष को निकालने के लिए। जो अभी नए फोन करेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप मेरे साथ व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, यानी पहले फोन करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वीडियो अभी देखी है, जिनसे अभी तक बात नहीं हुई, वो सबसे पहले कॉल ना करे, मेरे नंबर सेव करे, व्हाट्सएप पे एसएमएस करे और अपना नाम भेजे, पता भेजे, मैं रिप्लाई दे दूंगा। यदि 1 या 2 घंटे के अंदर रिप्लाई ना दूं तो आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप से बात करना आसान हो जाता है जी। तो सबसे पहले आप मेरे पास फ़ोन ना करें, क्योंकि हो सकता है मैं किसी की कुंडली चेक करता हूँ, हो सकता है कहीं पूजा पाठ में व्यस्त रहूँ, तो आप कृपा करके
व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जैसे ही आप वीडियो देखो, मेरे से बात करने की इच्छा हो तो मेरे नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे अपना नाम भेजो, पता भेजो, मैं आपके नंबर सेव करके आपको रिप्लाई दे दूंगा जी। जी बिल्कुल। तो सही, नीचे जो नंबर चल रहे हैं पंडित कपूर चंद शास्त्री जी के, ये नंबर सेव कर लें अपने फ़ोन में, कपूर चंद शास्त्री के नाम से व्हाट्सएप के ऊपर इनके ऊपर मैसेज भेजें, हेलो भेजें, राम राम, जय श्री राम लिख के भेजें और बताएं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये मैसेज भेजेंगे आपके पास तुरंत, घंटा दो घंटे बाद में। इंतज़ार करें, दूर जो रहने वाले लोग हैं बम्बई, महाराष्ट्र, आसाम, तो वो फ़ोन पे व्हाट्सएप पे ही जुड़ के अपनी समस्या बताएं। यदि फ़ोन पे होने वाली होंगी, फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज़ें होने वाली होंगी, तो वो आपका समाधान घर बैठे भी करेंगे। देखते रहें लोक प्रसार रहना।